बस सॉरी बस बॉस। मुझे लगता है ये लड़की उसकी पार्टनर है। हिम्मत है तो बाहर निकल। हमेशा एक्शन सीक्वेंस में पहुंचती है ये। नो उसको गुस्सा मत दिला। किसको गुस्सा मत दिला? इनविजिबल मैन को। हीरो अगर हीरो यहाँ है तो मुझे छोड़ दीजिए, वरना वो आपको नहीं छोड़ेगा। एक चाकू मरवाएगा क्या सबको? अरे बॉस क्यों डर रहे हो? क्या उखाड़ लगा वो मेरा? क्या हो रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा मुझे? हमारे जैसे 40 चूजों को मैं अपने लेफ्ट हाथ से धोता हूँ। कसम खाओ, चुराओगे आज से किसी का फोन? नहीं, किसी का कुछ भी चुराओगे? नहीं चुराऊंगा, वरना हीरो आएगा। कहा था ना छोड़ेगा नहीं। इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी, इतनी फेमस सेलेब तुम लोगों के अड्डे पे आई है और तुम लोग बंदर की तरह बैठे हो। भूल गए अपने मैनर्स। Baby, I missed you. अगर फोन मिल गया हो तो चलें। सारा का सारा चोरी का माल अपने पते पर वापस पहुंचाना चाहिए, वरना हीरो आएगा। ओके, जो भी सामान चोरी किया है सारा माल वापस कर देंगे। मदर प्रॉमिस। बाइक अच्छी है। किसकी है? मेरी है। हाँ नहीं, अब आपकी है। हाँ एक बार पता चल गया ना कि फूफा एलियन है, खुद ही मार दूंगा उसे। दुनिया में ना राज होगा मेरा और लोग कांपेंगे और लड़कियां लड़कियां तो जान छिड़केंगी। स्टाइल और पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना कि अगला हीरो रॉकी और फिर मेरे प्यार में गिरती पड़ती ज़ारा आएगी। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? ज़ारा तुम? दिन रात मेरे बारे में सोचोगे तो अपना काम कब करोगे रॉकी? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम हो ज़ारा। तुम्हें पता है मैं ना शहर इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बनने वाला हूं। तुम ब्यूटीफुल, मैं पावरफुल, बेस्ट कॉम्बिनेशन। नहीं, इसीलिए तुमसे एक काम नहीं हो रहा। टोटल वेस्ट। अलोमा खुद तो यूजलेस हो गई, मेरा भी वक्त बर्बाद किया। वो कोई असर नहीं। एलियन ने तो इतनी ताकत आई कहाँ से? खैर अब असलियत का पता चली गया है तो फूफा जी को उनकी औकात याद दिलानी होगी। इतना सोचते क्या रहते हो? एक काम तो होता नहीं है तुमसे। उस हीरो को तुम्हारे पास ले आऊंगा एसएप। बातें कम और काम ज्यादा, क्योंकि मेरा पेशेंस लिमिटेड है। लॉन्ग लिव अरोमा। तुम्हारे लिए गायब। अबे यार, नहीं मेरा फोकस तो हीरो पे ही है ना, पर अमल नंदा बीच में आके नाचने लग जाता है। पहली तुम्हारे पास। वीर कहाँ है? पापा आप यहाँ? अभी तो मेरे सामने आप रूम से निकले, तो यहाँ कैसे आ गए? क्या? अभी आप मेरे सामने रूम से निकले और पीछे से आप आए, कहाँ से? अंदर बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है, तो फिर कैसे? बंटू, तुम्हारी नजरों का धोखा है। अरे नहीं पापा, आई एम श्योर। मैं पूरे होश में नहीं था और उनमें से एक किरण पुंज से ऊपर गया। ये क्या होता है? किरण पुंज रोशनी का एक ऐसा स्तंभ है जिसके जरिए हम असुर पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। हेलिन आपकी भेष में। एक मिनट, या तो वो एलियन था या तो आप एलियन हो। मैं? ये मुझे चेक करना होगा। तो क्या असली अमल नंदा या वाकई कोई असुर है? अवश्य उसने किसी असुर को मायावी ऊँट लाने के लिए भेजा होगा, या वो खुद आई होगी। उनको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये बंटू नामक अति उत्सुक प्राणी मेरी योजना के लिए खतरा बनता जा रहा है। और इसने वीर को कहीं बता दिया कि मैं असुर हूं, एलियन हूं, तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसे चुप कराना होगा, हमेशा के लिए। आप कहाँ गायब थे इतने दिन? तुम्हारे आसपास ही तो था। झूठ। क्या कर रहे थे? तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब मुझे याद करोगी। फिर झूठ। अच्छा ये बताओ कि कैसे पता चला कि मेरा फोन खो गया है? तुम्हारा कुछ भी चोरी हो सारा, सबसे पहला नोटिफिकेशन मुझे ही आता है, फिर चाहे वो फोन हो या दिल। क्या हुआ? आओ, मेरी आंख में कुछ गया। तुम्हारी आंखें हैं ही ऐसी कि हर कोई उनमें डूबना चाहता है। स्टॉप इट, ऐसे टाइम में भी तुम। Thank you. The bike ride was amazing. बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मैं खुल के सांस ले रही हूँ, वरना तो काम काम काम। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बोझ। Why so serious? माँ का सपना है, पूरा तो करना है। कभी कभी ना हम सपनों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब प्लीज इसे रहने दो। मैं तुम्हें देख नहीं सकती पर फील तो कर सकती हूँ ना। क्या तुम मुझे अपने दिल की धड़कन सुना सकते हो वापस, प्लीज? अगर फ्रीक्वेंसी पकड़ सको तो बिल्कुल। ओह, ओके। करंट कि जब दो लोग जो एक दूसरे से एकदम इंटरनली कनेक्टेड होते हैं वो मिलते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से झटका लगता है। मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। कहो। तुम अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री ही हो। ज़्यादा कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में, फिर भी अपने से लगते हो। आई फील सेफ विथ यू। ये बात मैंने किसी को नहीं कही है, पता नहीं कैसे कहूँ। आई डोंट नो। मैं तुम जो चाहे वो मुझसे शेयर कर सकती हो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे ये कहना था कि कुछ दिन ना हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल होते हैं। उन स्पेशल मोमेंट्स को हमें किसी स्पेशल इंसान के साथ बिताना चाहिए, वो जिनके साथ हमें एक कनेक्ट हो, यू नो। न्यू चाहिए थी ना, देता हूँ सर। अमल नंदा DRSO का फेमस साइंटिस्ट, 15 साल पहले गायब हुआ था, अब लौट के आया है। छाप दो इसे। कुछ झोल रहेगा ना तो अब सामने आ ही जाएगा। धन्यवाद पाटिल साहब। मेरा बर्थडे, रियल बर्थडे किसी को भी नहीं पता। सोशल मीडिया पे भी रॉन्ग डेट्स है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि मेरा एक्चुअल बर्थडे कब है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो। मेरा एक्चुअल बर्थडे कल है, और मैं अपना बर्थडे हीरो बिना कुछ बोले चला गया। तेरी आत्मा तेरा शरीर छोड़ने वाली है मेरे दूसरे बेटे। Amal Nanda, you are under arrest. आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। हाँ, आप लोग कौन है? Stay back or I'll shoot. बंटू, ठीक हो तुम? हाँ पापा, ये लोग है कौन? इस वक्त अगर मैंने कोई हरकत की तो मेरा भेद खुल जाएगा। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं अमल नंदा से? आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग के पास कोई वारंट है? हाँ, कोई चार्जशीट है? हेलो पापा को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं जी। क्या कह रहा है बंटू? हाँ, तूने 2 मिनट रोक के रख, मैं अभी आता हूँ। अरे सुन नहीं रहे यार, 6 लोग हैं। एक काम कर, मैं इनको फॉलो करता हूँ, तेरे को एड्रेस भेज दूंगा, जल्दी आ। 15 साल बाद मिस्टर अमल नंदा उजागर हुए। मिस्टर अमल नंदा, द स्टार साइंटिस्ट। क्या बात है, यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप खुद हमारे सामने बैठे हैं। वैसे 15 साल बाद घर लौटकर कैसा लग रहा है आपको? तो आप चुप ही रहेंगे? ठीक है, फिर हम ही सच बताते हैं आपको। हम जानते हैं कि आप अमल नंदा नहीं हो। कहीं इन्हें मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई।